जय भीम। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो भी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच यूपी की सियासत और यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की एक सबसे ज़्यादा बड़ी खबर को लेकर हाजिर हुए। बड़ी खबर विस्तार पूर्वक समझाएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हम आपको बताएंगे उस सूची में कौन कौन है और कहाँ की सूची जारी की है। आप बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आइए हम आपको पूरी खबर पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझा। चुनाव, बीएसपी ने अपने पहले प्रत्याशी का किया ऐलान, जाने किस किस को मिला टिकट। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी दल अपनी अपनी गोटी बिछाने में लगे हुए हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में पहले प्रत्याशी घोषणा करते हुए रमेश यादव को बिटूर से उम्मीदवार बना दिया है। बीएसपी ने सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा कानपुर की बिटूर विधानसभा से की है। पार्टी ने इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। सेक्टर प्रभारी नौशाद अली और भीमराव अंबेडकर की उपस्थिति में रमेश यादव को विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया। वहीं सोशल इंजीनियरिंग के हिट फॉर्मूले से सत्ता की शीर्ष पर पहुंच चुकी बसपा जातीय संतुलन साधने में लगी है। सूत्र बताते हैं कि बसपा में 5 और सीटों को जल्द घोषित कर दिया जाएगा। पार्टी में पहले चरण में ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव और SC ST चेहरे सामने आए हैं। पार्टी सूत्रों के माने तो जल्द ही कानपुर देहात की विधानसभा भोगनीपुर से मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में जुनेद पहलवान को उतारा जाएगा। बिलौर में मनोज दिवाकर को पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। घाटम पर सुरक्षित सीट है, यहां से एक वर्तमान ब्लॉक प्रमुख को पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि बसपा में टिकट मिलने की जो भी आवश्यक कार्रवाई है वह प्रत्याशियों द्वारा लगभग पूरी कर ली गई हैं। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से ब्राह्मण प्रत्याशी लालजी शुक्ला को मैदान में उतारा जा सकता है। इटावा के बर्तना से कमलेश अंबेडकर को प्रत्याशी बनाया जाएगा। रमेश यादव बसपा के 2008 से कार्यकर्ता रहे हैं। चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का अपना ही रिकॉर्ड रहा है। पार्टी अपने उम्मीदवार सबसे पहले मैदान में उतारती है, हालांकि इनमें से कुछ को चुनाव के ठीक पहले बदल भी दिया जाता है। बिटूर विधानसभा से बसपा के पुराने विश्वास पत्र रमेश यादव चुनाव लड़ेंगे। रमेश यादव बसपा के 2008 से कार्यकर्ता हैं। इनको मंडल स्तर की कई तरह की पार्टी में जिम्मेदारियां भी सौंपी जा चुकी हैं। रमेश यादव की पत्नी सहित परिवार के सदस्य ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक भी में चुने जा चुके हैं। कानपुर नगर में 10 ब्लॉकों में 7 भाजपा के खाते में हैं, 3 ब्लॉक समाजवादी पार्टी के खाते में। इन्हीं 10 ब्लॉक प्रमुखों में से एक ने बसपा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसकी घोषणा पार्टी के द्वारा बहुत जल्द की जाएगी। कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा सीट में ब्राह्मण प्रत्याशी लालजी शुक्ला को उतारकर बसपा ने साफ संकेत दे दिया है कि ब्राह्मणों का बसपा में पूरा सम्मान है। लालजी का पारिवारिक बैकग्राउंड भी राजनीतिक है। लालजी शुक्ला औरैया के रहने वाले हैं और इनके भाई विधायक और मंत्री रह चुके हैं। इटावा की बर्तना सीट पर मंडल स्तर की जिम्मेदारी संभालने वाले भीमराव अंबेडकर की पत्नी कमलेश अंबेडकर को प्रत्याशी बनाया जा चुका है। इसी तरह पार्टी ने बिलौर दिवाकर को अपना प्रत्याशी घोषित करने का निर्णय लिया है। अब मनोज दिवाकर यहां से विधानसभा की तैयारी में जुट गए हैं। कानपुर देहात की महत्वपूर्ण विधानसभाएं भोगनीपुर में बसपा मुस्लिम प्रत्याशी जुनेद पहलवान को अपना उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है। जुनेद पहलवान पर कई आपराधिक मुकदमे भी हैं। तो साथियों, हमने बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई एक सबसे ज़्यादा बड़ी खबर हमने आपको बताई। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पहले प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और जिन जिन को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन जिन को भी चुनाव लड़ाएगी बहुजन समाज पार्टी, उनके नाम भी हमने आपको बताए। ये बड़ी खबर कैसी लगी कमेंट अपनी राय दे देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।